Hey guys, welcome back to my channel. Guys, आज हम बनाने जा रहे हैं एक paper gift box. तो जो materials required हैं, वो है एक scissor, pencil, fevicol, ruler, एक 21 by 21 centimeter की sheet और एक 11.2 by 11.2 centimeter की sheet. हमें इसे 3 equal parts में divide करना है. तो देखिए, पहले हमको इसे ऐसे रखना है और फिर 7 और 14 पर एक ऐसे मार्क लगा देना है और एक यहाँ पर इस पॉइंट से मिलाकर 7 और 14 पर एक और मार्क लगा देना है. देखिए कुछ इस तरह. और फिर यहाँ पर दूसरी साइड से भी ऐसे ही रिपीट कर देना है. यहाँ पर 7 पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक 14 पर मार्क लगाएंगे. अब हमें इन डॉट से मिलाकर इसकी एक ऐसे करके मार्किंग कर लेनी है. देखिए इस कुछ इस तरह से. देखिए मैं कर रहा हूँ मार्किंग. अब हमको सेम इस साइड पर करना है जो हमने 7 और 7 के मार्किंग्स लगाई थी. तो आप देख सकते हैं एक ग्रेड टाइप बन गई है. अब हमको कुछ इस तरह से चारों साइड से फूल कर देना है. देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर. देखिए अब देखिए ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो चुका है. देखिए अब आपको इसे यहाँ से और सेम यहाँ से कट कर लेना है. देखिए हमने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया. अब देखिए हमको इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना और देखिए यहाँ पर कुछ एक एच शेप आ जाएगी. देखिए कुछ ऐसे. देखिए आपको इन दोनों पीसेस पर कुछ इस तरह ग्लू अप्लाई कर देना है. पहले अब आपको इसे यहाँ पर कुछ इस तरह इसके ऊपर से चिपका देना है. देख हमें इस वाले पीस को इस वाले जो हमने प्रीवियसली चिपकाया था पेज उसके ऊपर ऐसे करके चिपका देना है. देखिए ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है. देखिए दूसरी साइड पर भी हमें ये चीज वापस से रिपीट कर देनी है. देखिए अब ये कुछ इस तरह से एक बॉक्स टाइप बन गया है. अब हमको इसे साइड हटा देना है और अब हमें अपना छोटा वाला 11 by 11.2 by 11.2 सेंटीमीटर वाला पीस यहाँ पर ले आना है. अब हमें इससे कुछ ऐसे 2-2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेनी है. देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से कर देनी है हमें यहाँ पर भी और सेम यहाँ. अब सेम अपोजिट साइड यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर की मार्किंग और एक यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की मार्किंग. देखिए अब देखिए हमने एक डॉट बना दी है. अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट एक ऐसे हर तरफ से लाइन खींच देनी है इन डॉट से मिलाकर. अब हमारा कुछ इस टाइप का एक स्क्वायर बन जाएगा. अब हमें यहाँ पर इस साइड पर और एक इस साइड पर सिर्फ इन्हीं लाइंस के ऊपर एक कट लगा देना है. देखिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से कट लगा दिए जैसे और हमें सिर्फ एक ही जगह से कट लगाने हैं. देखिए आप देख सकते हैं. फिर हमें हर साइड से इसे कुछ इस तरह फोल्ड कर देना है. देखिए इस तरह चारों साइड से हमें फोल्ड कर देना है. अब हमें यहाँ पर ग्लू लगा देना है. अब हमें इसे ऐसे काग
कागज के अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देना और चारों तरफ से ऐसे ही रिपीट कर देना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी है। चलिए अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। देखिए हम एक ऐसे टू स्ट्राइप्स लेकर कुछ इस टाइप से एक प्लस बना देना है। ये हमने इस कवर को कुछ इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो उसमें और डेकोरेशन ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए हमने इसके इस नीचे वाले बॉक्स को कुछ इस टाइप से हर्ट्स लगाकर डेकोरेट कर दिया है। देखिए हमारा गिफ्ट बॉक्स रेडी है। आप इसमें किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।